डॉक्टर शलभ बंसल, रेडियोलॉजिस्ट, जो 20 वर्षों से हेल्थ केयर में एक सुप्रसिद्ध नाम है, जिन्हें देश व विदेश में क्रॉस सेक्शनल इमेजिंग करने का अनुभव प्राप्त है, और अपने इसी अनुभव और एक्सपर्टीज के साथ डॉक्टर बंसल लेकर आए हैं एक स्टेट ऑफ द आर्ट डायग्नोस्टिक सेंटर। बड़ों को मशीनों द्वारा उत्पन्न अत्यधिक शोर से होने वाली दिक्कतों जैसे क्लॉस्ट्रोफोबिया व एंग्जाइटी को ध्यान में रखते हुए हमने एक हाईटेक ऑडियो विजुअल MRI सिस्टम लगाया है। टेस्ला इमेजिंग एंड डायग्नोस्टिक सेंटर। बिहार के छपरा में लगातार 8 बार डेट तय करने के बाद भी शादी नहीं करने पर एक प्राइवेट नर्सिंग होम की संचालिका ने अपने प्रेमी का प्राइवेट पार्ट काट डाला। प्रेमिका ने उसे सिर्फ सबक सिखाने के लिए ऐसा किया। उसका कहना है कि उसे मारने की उसकी बिल्कुल भी नीयत नहीं है। हालांकि खून अधिक बहने के कारण प्रेमी की हालत गंभीर बनी हुई है। प्रेमी वेद प्रकाश वार्ड संख्या 12 का पार्षद है। यह घटना मंडौरा नगर पंचायत स्थित एक प्राइवेट नर्सिंग होम की है। इस कांड को अंजाम देने के बाद प्रेमिका ने यह कहा। घटना क्या हुई? अब मैं वेद प्रकाश का पेन ही स्टार्ट की हूँ, क्योंकि वो मेरे से पहले ही बहुत सारे लड़कियों से जिंदगी बर्बाद किया था। सवा साल से शादी का झांसा देकर मुझे मेरे साथ फिजिकल रिलेशनशिप में था। 3 बार अबॉर्शन करवाया, उसके बाद अब वो शादी से ना कर रहा था। यहाँ पे थाना पे आने के बाद फिर वो शादी के लिए यहाँ कर दिया था, तो रजिस्ट्रेशन भी कर हो गया था 8 अप्रैल को। फिर शादी का डेट आया 10 मार्च को आया। फिर उसके बाद बहुत सारा डेट 7-8 डेट देते गया चेंज करते गया। आज भी शादी का डेट था, आज भी मेरे हाथ में उसके नाम का मेहंदी भी लगा हुआ। और फिर आज वो धोखा दिया, हर बार भाग जाता था, इस बार भागा नहीं लेकिन धोखा दिया। इसलिए मैं अब इस नया से मैं ऐसा कर दी, लेकिन मैं जान चाहती नहीं हूँ कि जान से मरे। मैं सिर्फ अब इस नया कर ऐसा कुछ की हूँ कि सिर्फ किसी लड़की का जिंदगी और बर्बाद न करे। इस खबर में फिलहाल इतना ही। आप देखते रहिए फर्स्ट बाइट.TV। नमस्कार।